दोस्तों, गैजेट एंड टेक्निकल चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि देखने वाले हैं कि आपको शाओमी के स्मार्टफोन में मी अकाउंट कैसे बनाना है। क्योंकि अगर आप शाओमी का स्मार्टफोन कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप उसे रेडमी बोलते हो चाहे मी बोलते हैं, तो आपके लिए मी अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ढेर सारे फीचर्स इस्तेमाल करने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं मी अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन जो मिलता है, आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा। उसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको मी अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। मी अकाउंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही आ जाएगा साइन इन टू योर मी अकाउंट। तो अभी हम साइन इन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा अकाउंट ही नहीं बना है। तो हम यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट यूजिंग ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कंट्री रीजन का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे इसमें इंडिया पहले से ही सिलेक्टेड है, फिर भी अगर आपको चेंज करना है कुछ तो चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देते हैं। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पासवर्ड भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया, एक कैप्चा आ जाएगा, इसे जो आपको इसमें कोड दिख रहा है ये आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। चलिए एंटर कर देते हैं। ओके पे क्लिक करते ही तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। तो आप अपनी ईमेल आईडी में जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद आपको गो टू इनबॉक्स में जाना हो, आप अपनी मेल बॉक्स चेक करेंगे, उसमें शाओमी की तरफ से एक मेल आई होगी जिसे कि आपको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए हम अपने मेल देख लेते हैं कि हमारे पे मेल आई है या नहीं। तो यहाँ पे शाओमी कॉर्पोरेशन की तरफ से न्यू मी अकाउंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया है। चलिए यहाँ पर एक्टिवेट ऑप्शन की बटन हमें दिख रही है, एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, देखते हैं होती है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा मी अकाउंट सेटअप कम्प्लीट हो गया है। जैसा कि आपको दिख जाएगा कि ये आपकी मी अकाउंट आई डी है, ई मेल आई डी, और उसके अलावा यू कैन रीसेट योर पासवर्ड थ्रू दिस ईमेल। आप अपना पासवर्ड भी इस ईमेल आईडी के जरिए चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सबसे ऊपर की तरफ जो यहाँ लिखी होगी योर मी अकाउंट आईडी, ये आपको लॉगिन करते समय इस्तेमाल करनी है। चलिए हम लॉगिन करके देख लेते हैं। तो अब हमारी मेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है, तो हम यहाँ पर अकाउंट वेरीफाइड पर क्लिक कर देंगे। अकाउंट वेरीफाइड पर क्लिक करते ही साइन इन टू योर मी अकाउंट। तो यहाँ पर मी अकाउंट बनाते ही आप शाओमी क्लाउड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी परमिशंस मांग रहा है, अभी हम शाओमी मी क्लाउड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए दोस्तों अलग वीडियो बनाएंगे, जो कि थोड़ी बड़ी होगी, तो इसलिए अभी सिर्फ मी अकाउंट कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा मी अकाउंट बन गया है। चलिए देखते हैं मी अकाउंट, तो इसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको मी अकाउंट मिल गया है और नीचे सर्विसेज में शाओमी क्लाउड, जिसमें कि देखते हैं आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें आपको 5 GB फ्री स्टोरेज मिलती है। तो दोस्तों, ये होगा पूरा प्रोसेस कि आखिर आपको शाओमी पे मी अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और लॉगिन कैसे करना है। दोस्तों, मी अकाउंट बनाने काफ़ी ढेर सारे फायदे हैं, उसके बारे में अगली वीडियो लेकर आऊँगा। उसके लिए दोस्तों आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।